हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने बात की थी कि कंपनी हम कैसे रजिस्टर करवाएंगे SECP से और कैसे हम उसका FBR से NTN सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं उस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। कंपनी रजिस्टर होने के 45 दिन के अंदर अंदर आपको अपना एक कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है। और उसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जितने भी डायरेक्टर्स होंगे, जो शेयर होल्डर्स होंगे, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स बाय किए होंगे, उन्होंने जो अपनी सब्सक्रिप्शन बनी होगी, जो पेड अप कैपिटल होगा, मतलब जो पेमेंट उन्होंने सबमिट करवानी होगी अपने जो शेयर्स के अगेंस्ट, वो उन्होंने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है। और वो उनके उस पेमेंट के अगेंस्ट पे उन्हें एक जो सब्सक्रिप्शन मनी के अगेंस्ट उनको मिलता है उनके शेयर्स, तो वो आपने ये 45 दिन के अंदर अंदर करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि SECP को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपने लेने होते हैं और वो कैसे अप्लाई करते हैं। बेसिकली उन डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं CTC, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, मतलब वो SECP से वेरीफाइड होते हैं। और इसके अलावा आपको फर्दर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए। मेरा नाम है अरसलान मजर और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चंस रह जाए इन वीडियोस को देखने के बाद तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं उनका वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले जो हमें जो कॉपीज चाहिए होंगी SECP से सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज चाहिए होंगी हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स की। उनमें जो सबसे पहले जो मेन चीज होती है आपका होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद जो मेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी। उसके बाद हमें एक फॉर्म 29 की कॉपी चाहिए होती है। और लास्ट पे अगर आपकी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी आपने एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेनी होती है SECP से। इसके अलावा ये जितनी भी सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज होंगी इन पे आपके अपने कंपनी की स्टैम्प भी लाजमी होनी चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स के बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं वो होते हैं आपके जो डायरेक्टर्स की CNIC कॉपी। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो मेन रिक्वायर्ड होते हैं, जितने भी आपके साइनिंग अथॉरिटीज होती हैं, जिन जो के मतलब आपके बैंक में साइंस जो करेंगे, उनकी आपको CNIC कॉपी चाहिए होती हैं। उसके बाद आपने एक जो आपका NTN सर्टिफिकेट होता है उसकी एक कॉपी प्रोवाइड करनी है बैंक को। और आपने जो अपने एक कंपनी का लेटर हेड तैयार करना है जिस पे आपने अपने शेयर होल्डर्स की डिटेल्स, अपने डायरेक्टर्स की डिटेल्स और लास्ट पे आपने एक बोर्ड रेजोल्यूशन देना है जिसमें आपका ये होता है कि आपके बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाह रही है और वो किस बैंक की किस ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगी वो आपने करना है। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देने हैं वो होगा आपने एक रिक्वेस्ट फॉर बैंक अकाउंट ओपनिंग लेटर देना है जिसपे आपका एक रिक्वेस्ट लेटर होता है कि आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं, वो आपने बैंक को आपने दे देना है। अब हम आगे देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो SECP से कैसे अप्लाई करेंगे। जो हमने सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज जिस तरह हमने अर्लियर वीडियो में बात की थी कि हमें सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज चाहिए होंगी, हम वो डॉक्यूमेंट्स अब कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं SECP के e-services पोर्टल पे। ये वही पोर्टल है जिससे हमने अपने जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन वगैरह के जितने भी हमने फॉर्म्स वगैरह फिल किए थे वो सारे इसी पोर्टल पे हमने फिल किए थे। यहाँ पे हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए मैं अपने ये जो भी ID डिटेल्स वगैरह हैं वो मैं दे दूंगा जिसमें मेरा CNIC नंबर और मेरा पासवर्ड होगा। ये सारी डिटेल्स देने के बाद मैं यहाँ पे अपने पास लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ ये मुझे SECP के पोर्टल पे ले आएगा। इसमें मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मेनली शो कर रहा होगा वो ये होगा कि जो कंपनी का मेरा नेम है, जो मैंने फॉर एग्जांपल जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैंने अपना कंपनी का नेम जो यहाँ पे दिया था वो मेरा कंपनी का नेम शो हो रहा होगा। उसके बाद मेरा हो रहा होगा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर जो पाकिस्तान में उसका SECP जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें इशू करता है। लास्ट पे हमारे पास आ रहा होगा लॉगिन का बटन कि जिससे हम अपने जो कंपनी के जो फर्दर आगे जो इन्फॉर्मेशन वगैरह जो हमने आगे रिक्वायर करनी है, मतलब जो उनसे देनी है या उन्हें इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है, वो हम उस पोर्टल में जाके करेंगे। आपके पास जितने भी कंपनीज होंगी उनके अलग-अलग इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे जिस तरह मेरे पास एक ही कंपनी है तो मेरे पास एक ही इस टाइम पे लॉगिन का बटन है तो मैं उधर जाके लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पे प्रोसेस लिस्टिंग आ जाएगी, मतलब मेरे पास जो जो अवेलेबल प्रोसेसेस हैं वो मेरे पास वो सारे शो हो रहे होंगे कि मैं इसमें क्या क्या काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई और नेम रिजर्वेशन करवानी है या फिर मैंने यहाँ पे इसका एड्रेस चेंज करना है, मैंने बिजनेस की टाइप चेंज करनी है, कुछ भी मैंने करना है तो मेरे पास सारी ऑप्शंस यहाँ पे आ रही होंगी। और इसी ऑप्शंस में मेरे पास एक दरमियान में आ रही होगी ऑप्शन फॉर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी।
सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज पे आपने जाके अपने सारे इन्फॉर्मेशन जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बैंक के लिए चाहिए होंगे, आपको वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स आपको SECP से मिलेंगे। मैं सर्टिफाइड ट्रू कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सर्टिफाइड ट्रू कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले जो मेन इन्फॉर्मेशन जो मेरे से मांगेगा वो होगा मोड ऑफ पेमेंट, कि मैं किस तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स की फीस को पे करूँगा। यहाँ पे हमारे पास जो तीन ऑप्शंस आ रही होती हैं वो होता है सबसे पहले बैंक चलान की, कि मैं किसी भी अपने MCB या UBL के बैंक की जो नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पे जाके मैं अपने SECP के ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दूँ, जो चलान फॉर्म होगा वो सबमिट करवा दूँ। उसके बाद मेरे पास जो ऑप्शन आती है वो होती है क्रेडिट कार्ड की, कि मैं अपने ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के पेमेंट से पेमेंट कर दूँ। या तीसरी जो पेमेंट ऑप्शन होता है वो ADC/E-payments। इसमें ये होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल हम अपने जो मोबाइल बैंकिंग ऐप पे लॉगिन करके जिस तरह हम बिल्स पे करते हैं वैसे ही वहाँ पे हम एक अपने पास बिलर ऐड कर लेंगे और वहाँ पे हम अपने जितने भी पेमेंट्स वगैरह होंगे डायरेक्टली एज अ बिल हम उसको SECP को पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने पास क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा form/document name with fees। इसमें बेसिकली जो जो डॉक्यूमेंट्स मुझे रिक्वायर होंगे उनकी सभी की लिस्ट आ रही होगी और उनके अगेंस्ट जो प्राइसेस वगैरह आ रही होंगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्च कर लेता हूँ form 29 को। form 29 के अगेंस्ट जो फीस आ रही है वो होगी 100 rupees। इसका मतलब ये है कि मुझे अगर एक सर्टिफाइड कॉपी चाहिए SECP से form 29 की तो मुझे उसका 100 rupees उनको फीस देनी होगी। फॉर्म 29 ऐड करने के बाद मैं आगे फर्दर अपने जो फॉर्म्स वगैरह उन्हें सर्च कर लेता हूँ। अब मैं अगली जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे इनसे चाहिए होगा, मतलब जो अगला डॉक्यूमेंट मैंने अप्लाई करना होगा वो होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसकी भी ये 100 rupees फीस चार्ज करते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा वो होगा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसकी फीस ये मेरे से चार्ज करेंगे 250। बेसिकली मुझे अपने केस में जिस तरह मेरी सिंगल मेंबर कंपनी थी तो मुझे सिर्फ यही तीन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे बैंक अकाउंट के लिए। प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी यही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा डॉक्यूमेंट डिफरेंट हो जाते हैं। वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी ऐड करना पड़ता है, उसके भी अराउंड 100 ये चार्ज आपसे करेंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मेरे से SECP यहाँ से मांगेगा वो होगा मेरा ईमेल एड्रेस। मैं यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। ईमेल एड्रेस देने के बाद मुझे यहाँ से कोई भी साइनिंग अथॉरिटी मुझे सेलेक्ट करनी है, कि जो हमारे फॉर एग्जांपल जो कंपनी के डायरेक्टर्स या जो हमारे CEO होगा वो हमारे साइनिंग अथॉरिटी में आएगा। जिस तरह हमने कंपनी में जो उनके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने इन्फॉर्मेशन दी होगी वो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन में शो हो रही होगी, सिर्फ वहाँ पे हमने उसके नाम पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास वो उनकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल इन हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू के बटन को प्रेस करने के बाद ये हमें प्रोसेस डॉक्यूमेंट लिस्टिंग के पेज पे ले आया। बेसिकली ये जो जिस तरह हमारे पास कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर हमने कोई एक्स्ट्रा अटैच वगैरह करने होते थे तो वो यहाँ पे हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आ रही होती हैं। हमारे पास सबसे जो टॉप पे जो बटन आ रहा है वो है अपडेट फॉर्म्स डेटा। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने फॉर्म वगैरह फिल किया, मतलब जो एप्लीकेशन फिल किया, अगर हमने उसमें कोई चीज़ चेंज करनी है तो वो हम देख सकते हैं, वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। सेकेंड जो बटन आ रहा है व्यू सर्टिफाइड ट्रू कॉपी प्रोसेस एप्लीकेशन वगैरह जो मेन फॉर्म है, तो उसमें जाके जो हमने फॉर्म फिल किया उसकी हम एक कॉपी देख सकते हैं कि हमने क्या क्या डिटेल्स वगैरह मांगी और क्या क्या चीज़ें हमने फिल की हैं। तीसरी चीज़ जो हमारे पास जो मेन चीज़ आ रही है वो है हमने फिल न्यू अटैचमेंट फॉर्म पे क्लिक करना है फॉर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। इसमें बेसिकली जाके आपने अपलोड तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ पे जाके कर देना सेव फॉर्म के बटन पे क्लिक, क्योंकि अगर आप इस सेव फॉर्म के बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा, नेक्स्ट जो बटन होगा फॉर बैंक चलान, वो आपके पास ओपन नहीं होगा। मैं यहाँ पे सेव फॉर्म के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और ये मुझे बैक पेज पे ले आएगा। बैक पेज पे आने के बाद अब मेरे पास फिल न्यू बैंक चलान फॉर्म की इन्फॉर्मेशन जो बटन होगा वो ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे उस बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास SECP का एक चलान फॉर्म आ गया। इसमें बेसिकली वो मुझे सारी डिटेल्स दे रहा है कि मेरे पास से SECP किस किस चीज़ों के जो फीस होगी वो डिटेक्ट करेगा। इसमें हमारे पास जो मैंने डॉक्यूमेंट्स की बताया था 450 rupees जो उसकी फ़ीस थी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैंक के जो कलेक्शन वगैरह चार्जेस हो जाते हैं जो क्रेडिट कार्ड वगैरह पे जो लगते हैं, और उसके बाद यूज़र रजिस्ट्रेशन फीस है। चलान फॉर्म को गो थ्रू करने के बाद मैं सिंपली इसे ड्रैग डाउन करके सेव फॉर्म के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। सेव फॉर्म के बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास साइन फॉर्म्स का जो बटन होगा वो मेरे पास विजिबल हो जाएगा ताकि मैं उस पर क्लिक कर सकता हूँ। तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा साइन फॉर्म के बटन्स पे और ये मुझे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नेक्स्ट पेज पे ले आएगा।
इस पेज पे बेसिकली जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स होंगे मैंने उन्हें डिजिटली साइन करना होगा। पहले तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मली हमने मैन्युअली बाय पेपर करना होता था, बट हमारे पास जिस तरह ई सर्विसेज के केस में ये हमने सिर्फ अपने पास ऑनलाइन ही हमने साइन करना था, डिजिटली साइन करने होते हैं। इसे साइन करने के लिए बेसिकली हमें अपने पास एक 4 डिजिट का पिन कोड चाहिए होता है। यूजुअली जब भी हम अकाउंट वगैरह जब हम नया क्रिएट करते हैं तो वो हमें ये कोड वगैरह हमारे ईमेल पर सेंड कर देते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको ये कोड याद नहीं है और आपके पास ये ईमेल डिलीट भी हो चुकी है तो आपके पास लेफ्ट साइड पे सेकंड लास्ट ऑप्शन होती है रीसेट पिन की, वहाँ पे आप क्लिक करके अपनी पिन भी रीसेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने 4 डिजिट की पिन टाइप कर देता हूँ। पिन टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ अप्लाई यूज़र पिन पर। जैसे मैं अप्लाई यूज़र पिन पर क्लिक करूँगा ये सारी मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे जो पिन है मतलब जो मैंने डिजिटली साइन किया वो किस किस डॉक्यूमेंट को मैंने साइन किया है और ये मेरे सक्सेसफुली साइन हो चुके हैं। नेक्स्ट जिस बटन पे मुझे क्लिक करना होगा वो होगा सबमिट प्रोसेस टू SCCP, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मेरी एप्लीकेशन है वो सारी SCCP को सबमिट करते हैं। जैसे मैं इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करूँगा वो मेरे से एक बार वेरीफिकेशन ले रहा है कि मैं ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहता हूँ, तो मैं इधर ओके के बटन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं ओके के बटन पर क्लिक करूंगा ये मुझे बताएगा कि मेरे पास 15 डेज है जिसके अंदर अंदर मुझे अपनी SCCP की पेमेंट करनी है, तो मैं इसको भी ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये मुझे वापस मेन पेज पर ले आएगा। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे ऑनलाइन पेमेंट का बटन आ रहा होगा, मैं उस बटन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं वहाँ पर क्लिक करूँगा मेरे पास एक प्रोसेस आईडी आ रही होगी और उसके पास उसके अगेंस्ट मेरे पास एक चलान अमाउंट आ रही होगी कि मैंने इतनी पेमेंट इस प्रोसेस आईडी के अगेंस्ट मैंने करनी है। मैं इस पेमेंट को प्रोसीड करने के लिए मेक बटन के अंडर जो मेरे पास एक चेकबॉक्स आ रहा है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा और ये मुझे बता रहा है मुझे टोटल रुपीज़ पे कर रहे हैं वो 517 रुपीज़ हैं। इस बटन को चेक करने के बाद मैं मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करने के बाद ये मुझे पेमेंट मेथड पर ले आएगा। यहाँ पे मुझे अपने कार्ड की डिटेल्स वगैरह एंटर करनी है क्रेडिट कार्ड की और ये ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट कर लेगा। पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफर होने के बाद ये मुझे पेमेंट स्टेटस पेज पे ले आएगा जहाँ पे मेरा ऑर्डर आईडी और मेरी जो पेमेंट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह मुझे बता रहा होगा कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुली SCCP को पहुँच चुकी है और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स आप प्रोसेस कर देंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद SCCP आपको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो आपका कंपनी का मेलिंग एड्रेस होगा जो आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे SCCP को दिया होगा वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स मेल कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।